हेलो एवरीवन, दिस इज़ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. ओके, तो अभी मैं रेडी हुई. आई टुक शावर एंड डिड एवरीथिंग और अभी मुझे जाना है टेस्ट देने. तो मैं टेस्ट देने जा रही थी तो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीडियो. आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियो आफ्टरवर्ड्स. हो सकता है एक आध आ जाए. आई डोंट थिंक कि इसके बाद मैं कोई वीडियो बनाऊंगी बिकॉज यू नो आज मेरा लास्ट टेस्ट है. तो आज मैं जा रही हूँ टेस्ट देने. तो आई थॉट कि ओके लेट्स शूट. ओके, सो गर्मी बहुत है. आप लोग अपना ख्याल रखो क्योंकि मुझे कल पूरी रात बुखार था. आई टूक पिल्स सुबह 4 बजे. मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ. मतलब अपनी तबीयत का ध्यान रखो और साथ ही साथ अपने घर के बाहर, अपने रूम के बाहर, अगर तुम कहीं रह रहे हो तो अपने रूम के बाहर छत पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी और कुछ खाने का रखो चिड़ियों के लिए और सारे लोगों के लिए. बिकॉज यू नो गर्मी बहुत है और हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी गर्मी है कि हम मतलब बर्दाश्त करने के बाहर है. वैसे 40-43 डिग्री होता है तो IMD जो है हीट वेव जो बता देती है कि ये हीट वेव है. अभी तो टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है. तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और सबका ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो. बस इतना ही कहना था. बाकी आज टेस्ट देने जा रहे हैं तो हम चलेंगे साथ में आप लोगों के साथ और टेस्ट देंगे. फिर हो सकता है, क्या पता हम प्रीलिम्स के बाद मिले. तो हाँ यही. हाँ, तुम सब लोग, मुझे पता है तुम सब लोग, तुम में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हो. मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए. ओके, चलो ठीक है. तुम लोग भगवान से प्रे करना कि सब कुछ अच्छा हुए. दैट्स इट. अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं. बाकी बस अपना ध्यान रखना. और हो सकता है कि मैं बहुत दिनों तक वीडियो ना डालूं, लाइक 15-16 डे का गैप होगा. तो अगर तुम ये वीडियो इन दिनों के बीच में कभी भी देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना. एंड हाँ, मैं तुमसे मिलूंगी फिर जब, तो हम बातें करेंगे. ओके, चलो अभी शुरू करते हैं. ओके, तो क्या आपको पता है PW ओनली IAS लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि UPSC बिगेस्ट फेस्टिवल होने वाला है. इसमें होंगे बहुत सारे सरप्राइजेस और ऑफर्स और इसके साथ ही 1000+ गिवअवेज. बट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू अटेंड दिस इवेंट लाइव ऑन 22 जून एट 3 PM. जो पटना में है वो तो बापू सभागार ऑडिटोरियम में जाकर अटेंड कर सकते हैं, पर क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं इसलिए लिंक में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें. आप जैसे ही इवेंट अटेंड करने के लिए अपना मोड चूज करके फाइनल करेंगे आपको फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी. ऑफलाइन वालों को उनका एंट्री पास कोड मिल जाएगा और ऑनलाइन व्यूअर्स को लाइव इवेंट की प्रीमियर लिंक. 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प 2026 फाउंडेशन सिर्फ 11,999 रुपये. एंड अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार 2025 जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 जो कि प्योर इंग्लिश में है. UPSC ऑप्शनल 2024-2025, इनमें से आप किसी भी ऑप्शनल बैच को 8,999 रुपीज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं. UPSC कॉम्बो बैचेस 2025, अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल हैं. संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल 18,999 और प्रहार और टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो 16,499 में से कोई भी कोर्स परचेज करते हुए मेरा कूपन कोड यूज करें, दैट इज RE1K फॉर एडिशनल डिस्काउंट. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट. Like the first case, and that has to do with how we perceive space and how we perceive time, and that has to do with the fact that if you can remember that also, that is one. The first is that nothing can travel with more than speed of light. There is a barrier. You cannot cross that barrier. And to travel with speed of light, you need to be massless. If the rest mass is zero, only then you travel with speed of light. So photons are massless. That is why they travel with speed of light. Muons are massless. They travel with speed of light. But anything which has mass cannot travel with speed of light. It can come very close to it, but can never travel with speed of light. That is the first consequence. The second consequence.
that the entire notion of distance, length and time is not absolute. Length can contract, time can dilate, depending upon how fast you are going. Self is affected by gravity. Einstein says that you can imagine that space-time as one fabric. And imagine a very massive object, that this massive object is distorting this fabric. Imagine it only a fabric of a cup, but imagine that something has been kept here. It is going to distort the overall the fabric of any configuration. Now imagine that you put something there, and it is going to move around. What you experience as a attractive gravitational force, for example, somehow if you get to survive on Sun, on the surface of Sun, let's say you get to live for 80 years, that is average human life right now. And if you return back on Earth, then you find that more than 80 years have passed from Earth. Maybe it is 80 years plus one day. But if you remove that Sun with black hole or a neutron star, then every day can become a year. You spend a day around black hole and some few years have passed around planet. So the heavier object you are around with, the time slows down. Okay, in your frame of reference, the time is exactly as what it is. But for an object, for a person, for a frame of reference, which is at a molecular object, the time gets to, in that observer, the time for the observer and heavier object gets to slow. So, but nonetheless, without going into complication, only one line, just like that. Only one line, don't ask questions. Whatever I'm discussing, whatever I'm talking about, just note it down. Doesn't make sense. It doesn't make sense. I'm only covering the part which you basically can ask questions for, and you should be prepared. That's all. So, in this theory, very few people understood it, and even lesser people accepted this. But Einstein was proven right again and again, and many of those predictions he made in 1920s, many of those predictions are coming today, even today they are coming out quickly. Many of those predictions, why curvature gets affected by gravity first, that is around massive object, time slows down, you can remember it like this. We also can remember that this theory also predicts that universe is expanding, this theory also predicts that black holes can exist, this theory also predicts that gravitational waves are a possibility. Now what are gravitational waves, coming to the topic which is given in your material? When we think of waves, we think of some vibration. When we think of sound wave, the sound wave is vibration in air, that air particles are coming closer together and then being compressed and stretched all the time. Whenever they are compressed, the pressure increases. Whenever they are stretched, the pressure increases. The sound wave is nothing but a pressure wave. Air pressure wave that is continuously dropping, increasing. And somehow that can be that can produce an electric signal. And that electric signal out there can make sense of it, and we get to talk to each other using sound. Sound wave is basically falling and dropping air pressure. About 100 years. Finally, for the first gravitational wave, which was detected, that happened in 2015, almost more than 90 years after its prediction. And the prediction was done by a setup called LIGO. Because you have this setup, LIGO. I'm not going to explain the working of the LIGO. I briefly mentioned it. But LIGO is this L-shaped interferometer. You have basically a mirror here. You have a source of light, a mirror. That mirror converts light into two parts. 50 exactly, whatever light is getting produced, it becomes two beam of light. And then you have a mirror here also, And that mirror reflects that light back to the same place. Now, because the two distances are exactly same, the light is going to reach exactly at the same time, and this two light is going to enter. बैक फ्रॉम द टेस्ट और साथ में लाई हूँ मिल्क पनीर एंड मिर्ची एंड लहसुन
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मेरी आवाज़ जा चुकी है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है. बाकी आई एम गुड. अपना ध्यान रखना, तुम लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखना बाहर, अपने घर के बाहर, रूम के बाहर, फ्लैट के बाहर, छोटी सी कटोरी में या फिर किसी भी चीज़ में पानी जरूर रखना. जानवरों का ध्यान रखना अपने आसपास के, और अपना ध्यान रखना, गर्मी से बचना बस, और खुश रहना. ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, यू नो. चलो बाय, हैव अ गुड डे. अगर तुम ये वीडियो दिन में देख रहे हो और रात में देख रहे हो तो हैव अ गुड नाइट. बाय.